गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं परमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स का मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। पिछले वीडियो में हमने सिंधुकालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग सिंधुकालीन आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस आर्थिक जीवन को हम लोग चार भागों में बांट के अध्ययन करेंगे, कृषि, पशुपालन, शिल्प और तकनीकी ज्ञान तथा वाणिज्य और व्यापार। सिंधुवासी कृषि के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध थे, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध थे। इनके आर्थिक समृद्धि का कारण था कृषि और वाणिज्य और व्यापार। मुख्य रूप से ये दो जो आधार जो थे, कृषि और वाणिज्य और व्यापार, उनके समृद्धि का कारण थे, क्योंकि वहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। हर एक साल वहाँ के नदियों में बाढ़ आता था और बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी आती थी, जिसमें वे फसल अपना रोपाई करते थे और अधिशेष फसल को काटकर वो अपने अन्नागारों में जमा करते थे। जो अधिशेष फसल हो जाते थे, यानी कि खाने से अतिरिक्त जो फसल हो जाते थे, उनको अपने अन्नागारों में जमा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि वहाँ जो अन्न जो था वह अधिशेष, यानी कि अधिक अन्न हो जाता था। वहाँ से हड़प्पाकालीन स्थलों से फावड़ा या हल का कोई साक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फावड़ा या हल वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, शायद जो हल होगा वह लकड़ी का हल था, जो कि प्राप्त नहीं हो सका है, सिर्फ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नहरों के द्वारा सिंचाई का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वे लोग वर्षा के जल से सिंचाई करते थे, जलाशय, बड़े बड़े जलाशय बनाते थे, जैसे कि धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े जलाशय धौलावीरा से बड़े बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि वे लोग वर्षा के जल को संचित करते थे बड़े बड़े जलाशयों में और सिंचाई उससे करते थे। अनाज में मुख्य रूप से जौ का जो ढेर मिला है बनावली से, तो जौ उपजाते थे, गेहूँ उपजाते थे, राई, मटर, तेल, सरसों, जो सरसों कालीबंगा से मिला है, ये यानी कि दलहन फसल और रबी फसल हुआ ज़्यादा उपजाते थे। तरबूज का बीज मिला है, हड़प्पा से तरबूज का बीज मिला है। इसके अलावा नींबू, अनार, नारियल भी उपजाते थे। चावल का साक्ष्य भी दो जगहों से मिला है, रंगपुर और लोथल से। लोथल से चावल के दाने मिले हैं और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला, यानी कि गन्ना वे लोग नहीं उपजाते थे या इसका कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधुवासी को ही जाता है। कपास का उत्पादन यहाँ पे सबसे पहले हुआ और यहीं से मेसोपोटामिया, यूनान में कपास भेजा जाता था कपड़े बुनने के लिए, सूती के कपड़े उसी से बुने जाते थे। यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे, सिंडन कहा जाता था यूनानी लोगों के द्वारा कपास को। अगला पॉइंट है पशुपालन। कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय पशु था इनका, हड़प्पा वासियों का विशेष प्रिय पशु जो था वह कुबड़ वाला सांड था। और भी बहुत सारे पशु ये पालते थे, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर। वहाँ से कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि कुत्ते और बिल्ली को भी पाला जाता था। इसके अलावा हाथी और गेंडे से परिचित थे, लेकिन इन्हें पालतू बनाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। या कैसे मालूम चलता है कि कोई जानवर पालतू बनाया गया था या कोई जानवर पालतू नहीं बनाया गया था? यह उनके आवास के आसपास जिन जानवरों का अवशेष मिलता है या हड्डी मिलता है, इससे मालूम चलता है कि उनके आवास के आसपास जो जानवर थे वे पालतू थे। तो उस प्रकार के हाथी या गेंडे की हड्डी का अवशेष उनके आवास से नहीं मिला है, लेकिन वे हाथी और गेंडे से परिचित थे। भालू, बंदर, गिलहरी, तोता, मुर्गा, कछुआ, घड़ियाल, खरहा से भी ये लोग परिचित थे। घोड़े से शायद वे लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़े का साक्ष्य जो है हड्डी सुरकोद्दा से मिली है। घोड़े की हड्डी सुरकोद्दा से मिली है और लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, खिलौना प्रकार की मृण मूर्ति वहाँ से मिली है। शायद यह ऊपरी स्थल से मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हो रहा था उस समय शायद घोड़े आर्य लोग लेके आए थे,
इससे प्रतीत होता है कि ये लोग घोड़े के बारे में उतना नहीं जानते थे, यानी कि अश्व केंद्रित व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। शेर का साक्ष्य भी यहाँ से नहीं मिला है। गधे और ऊंट को ये लोग पालतू बनाए हुए थे, शायद बोझ ढोने के लिए या बोझा ढोने के लिए। अगला पॉइंट हमारा है शिल्प और तकनीक। शिल्प और तकनीकी का ज्ञान उन्हें भली भांति था। कांस्ययुगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांसा जो है तांबा और टीन के मिश्रण से बनाया जाता था। कांस्य शिल्पी लोग तांबा और टीन की एक निश्चित मात्रा के द्वारा कांसा बनाते थे, यानी कि जो कांस्यकार थे या कांस्य शिल्पी जो थे उनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। तांबा जो है खेतड़ी से मंगाया जाता था जो राजस्थान में है। टीन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और ईरान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, तथा रत्न जो है वह दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। यह प्रश्न कभी कभार पूछता है कि तांबा सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से आता था, तो खेतड़ी से। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है, धातु में लिपटा हुआ टुकड़ा प्राप्त हुआ है, यानी कि सूती वस्त्र का प्रयोग ये लोग करते थे। और वस्त्र बनाने में तकलियों का प्रयोग किया जाता था, वस्त्र को बनाने में तकली का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े जो भवन बने हैं इससे प्रतीत होता है कि राजगिरी का काम भी भली भांति वहाँ पे होता था, यानी कि राजगिरी मिस्त्री भी थे। नाव बनाने का कार्य, लोथल से जो गोदीवाड़ा मिला है इससे प्रतीत होता है कि जल मार्ग से जो व्यापार होता था तो नाव के माध्यम से, यानी कि नाव बनाने का कार्य भी काफ़ी वहाँ पे प्रचलित था। कुंभकार लोग जो थे वह चाक का प्रयोग करते थे सुंदर बर्तन बनाने के लिए, कलात्मक बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग बहुतायत में होता था। चन्होदड़ो से एक कारखाना मिला है मनके बनाने का, यानी कि शिल्प और तकनीकी के क्षेत्र में सिंधुवासी काफ़ी आगे थे। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार स्थल मार्ग से होता था, जल मार्ग से भी होता था, लेकिन जो बाह्य व्यापार था वह सिर्फ जल मार्ग से होता था। जो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है वहाँ से नाव के माध्यम से सिंधुवासी जाते थे, मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेर इत्यादि जगहों पर जाते थे, वहाँ से व्यापार करते थे। चूँकि सिक्कों का प्रचलन उस समय नहीं था, इसलिए व्यापार जो होता था वह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, यानी कि वस्तु एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु प्राप्त किए जाते थे। नापने में गज या यार्ड का प्रयोग होता था, और तौलने के लिए बाट का प्रयोग होता था, और बाट में भी 16 इकाई के बाट का प्रयोग किया जाता था, यानी कि 16, 32, 64 इस प्रकार के बाट का प्रयोग किया जाता था। मेलुहा एक शब्द प्राप्त हुआ है मेसोपोटामिया के अभिलेखों से। मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले हैं वहाँ से मेलुहा शब्द मिला है। यह मेलुहा शब्द शायद सिंधु वासियों के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि यह भी प्रश्न आता है कभी कभार कि मेलुहा नाम कहाँ के लोगों के लिए प्रयोग होता था, तो सिंधु वासी के लिए प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच दलमुन और माकन नाम के दो जगह थे। दलमुन जो है वह बहरीन को कहा जाता था, वर्तमान में बहरीन जो है शायद उनको उस समय दलमुन कहा जाता था।